तो ये चले गए अयान को स्कूल छोड़ने। तब तक मैं इनका थोड़ा सा मीठा दूध वाला दलिया रख दे रही हूँ बनने के लिए, जब तक नहा के आएंगे तब तक बन जाएगा। और हम महिलाओं के पास वैसे भी चाहे व्रत हो, तीर्थ त्यौहार, कुछ भी हो, पहले घर के काम जरूरी हैं, साथ साथ अपने काम भी जरूरी हैं। तो अभी मैं सारा दलिया तो नहीं भून रही हूँ, थोड़ा सा दलिया लेके मैं घी में कुकर में ही भून ली रही हूँ, उसी में दलिया बना लूँगी। ये अभी मैंने कल ही परसों भर के रखा था ये दलिया पूरा डिब्बे में, तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा ले लिया है घी, घी में ही भूनूंगी और बस दूध और चीनी। और दलिया थोड़ा ही है ना, तो बहुत अच्छे से कुकर में भुन जा रहा है। ये देखिए एकदम दाना खिला खिला सारा फूट गया है दलिया, तो इसमें डाल दूंगी मैं दूध। और ये दूध ना फुल क्रीम दूध है, बहुत गाढ़ा होता है, अच्छे से पका हुआ भी है। तो मैं इसमें एक गिलास दूध डाल रही हूँ और साथ में मैं इसमें पानी भी डाल दूंगी, क्योंकि दलिया भी हैवी होता है, फिर दूध भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्रीम वाला, इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। उसके बाद चीनी डाल के इसको बंद करके रख दूंगी तो बन जाएगा। और दलिया वगैरह बनाने में यह है कि नाश्ता फटाफट बन भी जाता है। और ये सुबह के बर्तन धुले रखे थे, ये सूख गए, इनको मैं जा रही हूँ सेट कर दे रही हूँ। और सुबह ना एक के बाद एक इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी हड़बड़ी मचती है सुबह के टाइम पे कि पता ही नहीं चलता है सुबह का टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। पहले घर के काम निपटाए, जैसे ही काम निपटेंगे वैसे ही अयान का स्कूल का टाइम, वो उसको तैयार करके भेजेंगे नहला धुला के, जब तक वो स्कूल जाएंगे इनके ऑफिस का टाइम, उसके बाद घर के और काम काज, ऐसे चलते रहते हैं। तो अभी किचन के उनका नाश्ता, सब्जी वगैरह धोना, बर्तन वगैरह सेट एक साथ करके एक बार निपटा के यहाँ आई हूँ। मशीन में कपड़े डाले थे तो इनको मैं सुखा देती हूँ साथ ही साथ में। और ये देखिए आज मौसम भी काफ़ी वैसा हो रहा है खतरनाक वाला, क्योंकि एक बार पिछले बार तीजा में अच्छा मौसम हो गया था, बारिश वाला ठंडा सा मौसम हो रहा था, और आज क्या है बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो धूप तेज़ थी तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे पास ये थोड़े से ये राजमा नहीं छोले रखे थे, थोड़ी सी दाल रखी थी और थोड़ा सा ये बिना छिलके वाली दाल थी, इनको धूप में डालना था। तो मैंने कहा चलो एक दो घंटे यहाँ धूप रहती है बालकनी में, उतनी देर डले रहेंगे। और बस अभी नाश्ता वास्ता कर लिया इन्होंने, नहा धो के ऑफिस निकल गए हैं और बस अब मैं लगूंगी और कामों में। और ये देखिए इनका हेलमेट वगैरह सब अयान का रखा है, चाबी अभी सब स्कूल से लाने के लिए उसके। और बस अभी फटाफट आके मैंने नहा धो के यहाँ पर अपनी करी है पूजा, और अभी मैं साधारण पूजा कर रही हूँ, भगवान जी को नहलाया, भोग लगाया, अपना फूल पत्र चढ़ाए हैं, उसके बाद जो मेन पूजा होगी तीजा व्रत की वो शाम को होगी। तो अभी मैंने अपनी यहाँ पर साधारण पूजा कर ली है, और वैसे भी मन की पूजा होती है, जितना टाइम मिले हम उतना ही दें और बस अपना मन से भगवान को सारा दिन भजते रहें अपने व्रत में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बनाऊंगी लंच, और उसके बाद जाना होगा थोड़ी देर से अयान को स्कूल से लेने। लेकिन ये बोल रहे थे कि आज मैं लंच में जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि अभी फ़ोन करके बता रहे थे क्योंकि तुमको आज ज़्यादा काम है, तो मैं लेके आ जाता हूँ अयान को, तब तक तुम अपने काम निपटा लेना, क्योंकि मुझे खोया वगैरह भी बनाना है। और ये डिब्बे मैंने उस दिन धो के रखे थे, तो बालकनी की दाल हटा दूँ क्योंकि ये हमारे आ गए हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है, मिट्टी की है ना, ये अयान के लिए, आप खुद लगाओगे देख नहीं पाओगे, पापा लगा के देखो। गणपति बाबा बोरिया, अयान कैसे करेगा। तो दाल वगैरह डिब्बे में भर के रख दी है, वरना मुझे फिर छलनी से अलग अलग निकालनी पड़ती, सब मिला देता जाके। तो यहाँ पर मैंने बनाई है दाल और थोड़ा सा बनाया है आलू का चोखा, थोड़ा सा अयान के लिए बचा लिया है और इनके लिए, और बस दाल चावल चोखा ये बना दिया है फटाफट से लंच। और उसके बाद फिर से किचन वगैरह सारा निपटा के सब साफ़ करके इनके लंच वंच के बाद में फिर अयान के में लग गई। और उसके बाद शाम के टाइम जाके आके मुझे खोया बनाने का टाइम मिला है, मुझे तो लग रहा था कि दूध रखा रह जाएगा, मैं बना नहीं। और बस वहाँ पर खोया हो रहा है धीरे धीरे गैस में, तब तक यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, इसमें डाला है थोड़ा सा गरम करके घी यानी कि मोवा गुजियों के आटे में, और बस अच्छे से पूरे मोवन को पूरे मैदे में मिला दूंगी। और मैंने थोड़ा सा ही लिया है, थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि गुजिया ज़रूर बनती है तीजा में, शगुन करना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। जब नंदनी होती है उसे बहुत शौक रहता है कि मौसी ज़्यादा सी बना लो, कम ना पड़ जाए, तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती थी। और यहाँ पर मैंने दूध भी 1 लीटर दूध का खोया बनाया है, तो बस
यहाँ पर गुजिया का आटा सेट हो गया। यहाँ पर मैंने खोया निकाल लिया, यहाँ पर चीनी पीस ली है और बस चीनी में ही मैंने इलायची पाउडर साथ में ही पीस लिया था, तो ये मैंने मिला दी। जब खोया ठंडा हो गया तब मिलाया है और थोड़ा सा खोए को ज़्यादा देर तक पकाया था क्योंकि मैं तुरंत ही तुरंत ताज़े खोए की गुजिया बना रही थी, इसलिए उसके बाद मेवा डाल दिया है और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर ले रही हूँ। और मैंने आज तक कभी भी अकेले बैठ के गुजिया नहीं बनाई है, आज मैं पहली बार अकेले गुजिया बना रही हूँ और मुझे सांचा आँचा भी नहीं मिला, जाने कहाँ पड़े हैं, उस दिन किचन साफ करिए मिला नहीं कहीं। तो फिर मैंने क्या है, मैं हाथ से घोट के बनाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी बनानी है तो हाथ से घोट के जल्दी भी बन जाएंगी और घोट के बनाने में ठीक भी रहता है क्योंकि कढ़ाई में बिल्कुल भी फैलती नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर शुरू कर दी है बनानी तुरंत ही, मैंने कहा एक बार प्रसाद बन जाएगा, बाकी का काम धीरे धीरे करती रहूँगी अपनी तैयारी वगैरह जो भी। और जब नंदनी रहती थी तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं त्यौहार में मेहंदी ना लगा पाऊँ, लेकिन मैं मेहंदी लेके आई और मैंने मेहंदी लगाई नहीं, रात में काफ़ी लेट हो गया था, फिर दिमाग से निकल गया, फिर नहीं लगाई, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर ये कर रहे हैं खाने की तैयारी अपने और मैं बना रही हूँ गुजिया। तो बस यहाँ पर मैंने गुजिया भर ली है, बाकी का खोया उठा के रख दिया, मैंने पूरी नहीं भरी है। मैंने कहा देख, जैसे ही देखा प्रसाद वर्क हो गई है, मैंने फटाफट उठाया और सब फ्रिज में रख दिया ढक के अच्छे से। तो बस यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया घी, तो मैं इसको मैं गुजिया सेक ले रही हूँ धीरे धीरे। और ये देखिए गुठी हुई गुजिया कितने अच्छे से सेक रही है ना, एक भी नहीं फट रही है। ये मैंने रिफाइंड लिया है, घी से भी सेक सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ और खाने में ये हेल्प कर दे रहे हैं क्योंकि ये अपना खाना बना लेंगे अपना और आयान का, तो क्या है मैं अपना काम आराम से कर लूँगी, तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए सेक गई है। पहले मैं ये सेक लूँ फिर ये खाना बनाएंगे। तो खाने में अपने लिए पनीर बना रहे हैं क्योंकि पनीर जल्दी बन जाता है इनसे, तो मतलब इन्हें टाइम नहीं लगता है। ग्रेवी बनाई, पनीर फ्राई किया, बस बन के रेडी हो। सारा दिन मेरी बैटरी भी पूरी डाउन हो चुकी है बहुत ज्यादा, तो इसलिए खाने की ड्यूटी इनकी लगी है। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने की तैयारी करने, तब तक ही अपना खाना आना बना लेंगे। बिल्कुल भी थका नहीं हूँ मैं, ऑफिस से जितना आया था इतना एनर्जेटिक था, जाते समय भी इतना एनर्जेटिक था, आते समय भी इतना एनर्जेटिक हूँ, अभी भी इतना ही एनर्जेटिक हूँ। और इन बाप बेटों की एक ही पसंद है, जैसे इनको आलू और पनीर ज़्यादा पसंद है तो आयान को भी आलू और पनीर ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने जो फ्राई किया इसमें से थोड़ा सा काट के आयान को दे दे रहे हैं नमक लगा के। अगर सब्जी नहीं खाएगा उसको एक आध छाले हो रहे हैं, तो ये पनीर रूखा मतलब वैसे ही खा लेगा। और यहाँ पर जा रही हूँ मैं अपनी तैयारी करने, तैयार होने। ये देखिए कानों के भी मैं साड़ी के साथ में ही मैच के लेके आई हूँ, और ये मेरी साड़ी है जो मैंने पसंद की थी। अब ये नई साड़ी है, इसका ब्लाउज तो मैं सिलवा नहीं सकती थी तो मैं रेडीमेड ब्लाउज लेके आई हूँ, लेकिन इसमें पिंक कलर का ब्लाउज है, ये देखिए। तो इतना बड़ा ब्लाउज तो होगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये ज्वाइंट दिख रहा है, इतना ब्लाउज होगा। मैं काटने से पहले थोड़ा सा डाउटफुल रहती हूँ, ऐसा ना हो कहीं गलती से कहीं और कट जाए, क्योंकि साड़ी खराब हो जाएगी, कहीं और कट गया, काटना तो पड़ेगा वरना साड़ी लंबी लगेगी पहनने में अगर मैं यहाँ से काट दे रही हूँ। लेकिन यही से है क्योंकि ये ब्लाउज की डिजाइन अलग है और ये डिजाइन अलग है। और मैं जानबूझ के वैसी मोटी बॉर्डर की हैवी साड़ी नहीं लाई और जड़ी हुई भी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि ये साड़ी मैं अकेले अच्छे से बांध सकती हूँ। देखिए इसमें प्लेट भी बहुत आराम से आ जा रहे हैं, एकदम बैठ जाती है, चिपक के कपड़ा ऐसा है, तो मुझे ऐसी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं जो चिपक के बैठ जाएंगे, फूल गई नीचे से तो सेट नहीं हो पाती है। लूज है, मैं कल ही लेके आई थी ना, तो जैसा था मैंने एडजस्ट करके पहन लिया है, लूज लग रही होगी। और ये मैंने पल्ला भी निकाल दिया है। और साड़ी के बाद मैं सोच रही थी हेयर स्टाइल क्या बनाऊं, तो मैं सिंपल सोच रही हूँ पोनी बना लूं, क्योंकि जूड़ा तो मैं बनाती रहती हूँ और फिर जूड़ा बनाने में टाइम भी लगता है, अगर वैसा जूड़ा बनाऊं ना गजरा लगाने वाला, तो उसमें थोड़ा सा पफ वगैरह लगाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पोनी बना लूं। ये देखिए मुझे मैचिंग की रबड़ मिल गई बिना ढूंढे, देखो मुझे रबड़ कंघा कुछ नहीं मिलता है इस लड़के के मारे, इधर उधर पूरा घर का सामान कर देता है, लेकिन मुझे आज रबड़ मैचिंग की मिल गई, थोड़ा सा मन मेरा शांत हुआ। सेम कलर है देखो। बस अपने एयरिंग पहन लिए, उसके बाद में मैंने चोटी के ऊपर से ऐसे गजरा लगा लिया आर्टिफिशियल वाला,
तो ये जो लटका के लगाते हैं उससे मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, रबर बैंड की तरह ऐसे लगा लिया है और ये गिरता भी नहीं है। वैसे जैसे चिमटी खिसक गई ना तो वो निकल जाता है मुझसे, उतने अच्छे से नहीं लगता है, और ये वाला आराम से फंस भी गया है। उसके बाद बस मैं अपना कर लूँगी थोड़ा सा मेकअप। तो मैंने प्राइमर, फाउंडेशन लगा के, लिपस्टिक, बिंदी ये सब कर लिया, थोड़ा सा मस्कारा लगाया था हल्का सा बस। उसके बाद मैं अपना चूड़ी पहन ले रही हूँ। चूड़ी मैं ये सिंपल ही लेके आई थी, ग्रीन और येलो मेरे पास रखी हुई थी। और उसके बाद नेल पेंट, सब कुछ हो गया, सब कुछ ले आई थी। महावर नहीं मिल रहा, पूरा घर ढूंढ डाला मैंने। आयान की वजह से नंदनी ने कहीं ऊपर रख दिया था, बड़ी मुश्किल से जाके ढूंढते ढूंढते मैंने कहा नहीं मिला तो अधूरा ही रह जाएगा। कहाँ कहाँ रखा था, उसके पीछे छुपा के रखा था क्या? हाँ, इसकी वजह से छुपा के रखना पड़ता है ना, बहुत दिन से लगाया नहीं, मिल ही नहीं रहा था। पापा से क्या बन रहा है? हैं? क्या बन रहा है? ये मम्मी पाजेब पहन रही है, पाजेब। और ये है महावर। आज तो मम्मी को लगाना है ना? और ये रेड कलर का लग रहा था ना? क्या लग रहा था? रेड कलर का सिर्फ रेड कलर है। हाँ। रेड कलर का फायर ट्रक जैसा कलर है इसका। और इसके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो मेरी ठोड़ी पकड़ के पूरा जवाब लेके रहता है। तो बस मेरा पूरा दिन ऐसे ही आज तीजा का निकल गया, और अभी मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो अगले व्लॉग में देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या किया। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साड़ी कैसी लग रही है, ग्रीन, बताइएगा ज़रूर। न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।